करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं बटन दबाकर। उन्होंने न सिर्फ डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है, 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने काशीवासियों को दी है, जिसके जरिए काशी के कायाकल्प की कोशिश की जाएगी। जो बदलाव बीते 10 बरस में आया है उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी बटन दबाकर उन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ बनारस के लोग आज प्रधानमंत्री मोदी को सुनने और देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों के लोग भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक मायने भी आज के इस कार्यक्रम के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। ऐसे में पूर्वांचल को साधने की कोशिश के क्रम में पीएम मोदी के आज के इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है और इसी क्रम में वो लोगों को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। गांवों में सर्वतः जैव गवाम मध्ये वसाम्य हम, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के विजन को साकार करने हेतु गौ धन के गौरव को बढ़ाने के इसी संकल्प के साथ पशुपालकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के उत्थान के लक्ष्य के साथ पूर्वांचल बन रहा है नई श्वेत क्रांति का उद्भव स्थान, जिसकी साक्षी बनेगी पावन नगरी काशी की धरती और बनास से बनारस तक की श्वेत क्रांति का आधार बनेगी गौ माता। क्योंकि दूध की श्वेत क्रांति से पूर्वांचल का विकास की पहल है बनास काशी संकुल, पूर्वांचल के विकास का संकुल। वैसे तो लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी द्वारा 2 डेयरी प्लांट कार्यान्वित हो चुके हैं, लेकिन काशी में स्थित ये नव निर्मित संकुल कुछ खास है, जहां 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ विविध प्रकार के दूध को विभिन्न साइज में पैक किया जाएगा। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए फर्मेंटेड अनुभाग में 50,000 किलो दही, 75,000 लीटर बटर मिल्क एवं 15,000 लीटर लस्सी की होगी पैकिंग। और हाँ, यहाँ मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों का 10 टन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। यह भारत की उन्नत प्रयोगशालाओं में से एक प्रयोगशाला भी है। वैसे 10 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रोसेसिंग एवं 1,80,000 के फर्मेंटेड मिल्क प्लांट स्वचालित है और यहाँ पनीर और आइसक्रीम जैसे डेयरी उत्पादों का भी प्रोसेसिंग होगा। कुल मिलाकर ये प्लांट डेयरी सेक्टर और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली एक बड़ी पहल बनेगा, जिससे किसानों को मिलेगी समृद्धि की गारंटी, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक उत्थान की गारंटी, युवाओं को मिलेगी आत्मनिर्भरता की गारंटी और पशुपालकों को मिलेगी खुशहाली की गारंटी। क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी, जिसकी नींव बनेगा बनास काशी संकुल, पूर्वांचल के विकास का संकुल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना और मार्गदर्शन से काशी में विकास की जो अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें फैशन टेक्नोलॉजी के पर्याय प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के 19वें परिसर का शिलान्यास वाराणसी के बड़ा लालपुर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। NIFT काशी में 3 डिजाइन कार्यक्रमों के साथ यहाँ के परंपरागत शिल्प कौशल को तो संजीवनी देगा ही, साथ में आधुनिक टेक्नोलॉजी और शिक्षा के माध्यम से परंपरा के धागे कल के नवाचार के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही वाराणसी के पांडेपुर में मेडिकल कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग के शिलान्यास तथा 1300 करोड़ की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी रांची कोलकाता 6-लेन एक्सप्रेसवे के कार्य का शुभारंभ सम्मिलित है। ये पौराणिक विरासत से सर्वांगीण विकास के संकल्प की काशी है। समस्त काशीवासी इस विकास यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी।